गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्रिक्स। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑफबो प्रिंसिपल के साथ करते हैं, जहां पर ऑफबो का मतलब है बिल्डिंग अप, मतलब इनर्जी के वाइज हमें अरेंज कर कर उसके कॉन्फ़िगरेशन को बनाना। लेकिन ये मेथड काफ़ी डिटेल में जाता है, काफ़ी लंबा मेथड है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड के साथ समझाऊंगा, जिससे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑफबो प्रिंसिपल के बिना ही सॉल्व कर सकोगे। इसके लिए मुझे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ कॉन्फ़िगरेशन को याद करना पड़ेगा। अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे याद करना पड़ेगा कि मेरी पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला है Nb मीन्स नोबल गैस, N-2F, N मीन्स नंबर ऑफ शेल्स, कि कौन सी कितनी शेल्स हैं। मैं आपको इसको एक पूरी फुल फ्लेज एग्जांपल के साथ, तीन चार एग्जांपल के साथ पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप रूल समझ लो, फिर हम इसके तीन चार एग्जांपल करेंगे। सो N-2F, F मीन्स F ऑर्बिटल, N मीन्स नंबर ऑफ शेल। सिमिलरली N-1D, NS एंड NP, ये है मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, पीरियोडिक टेबल की। अब रूल क्या है, सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन किस में फिल करना है, एस में फिल करना है। आप सभी को पता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इसलिए मैं एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, 2 फिल करूंगा। इसके लिए मैंने एस को क्या लिख दिया, एस के साथ क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। क्लियर? अब यही चीज मैंने मेन याद रखनी है, जिसकी मदद से मैं बहुत ही ईजी वे से सभी मेथड को सॉल्व कर लूंगा। देन मैंने डी में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। रीजन, शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, और ऐसे कह लो एफ और डी की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम होने के कारण पहले एफ ऑर्बिटल फिल होगा, देन डी की फिलिंग पूरी होगी। इसलिए पहले मैं डी में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने, सब एक ही करना है। फिर मैं एफ में एफ को फुल फिल कर दूंगा। इसके बाद मैं डी के कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 आते हैं, एक मैंने फिल कर दिया, कितने बच गए मेरे, 9 बच गए। तो जहां पर मैं क्या लिख देता हूँ, D9, इट मींस एक मैंने फिल कर दिया, अब डी को मैंने क्या कर दिया, फुल कर दिया। जैसे मेरा पीरियोडिक टेबल कहाँ से शुरू होता है, एस से शुरू होता है, इसलिए मैंने एस से स्टार्टिंग की। कहाँ पर खत्म होता है, पी पे खत्म होता है, इसलिए मैंने पी पर क्या की, एंडिंग की। अब लास्ट में पी को क्या कर दो, फुल फिल कर दो, मींस पी के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, तो पी को मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। कि इसमें मुझे नोबल गैस के बारे में, नोबल गैसेस चाहिए, तो इसलिए पहले मैं आपको नोबल गैस के बारे में बताऊंगा, इसके कैसे एटॉमिक नंबर फाइंड करेंगे, फिर हम एग्जांपल के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ऑफबो प्रिंसिपल के बिना ही बहुत ही जल्दी। आप सभी को पता है कि मेरे 118 एलिमेंट्स हैं एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में। अगर मैं इसको ऑफबो प्रिंसिपल के साथ करना चाहूं तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 मिनट लगेंगे, तब भी वो मेरा कंप्लीट नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं आपको इसके लिए आपको बहुत ही एडवांस मेथड के साथ इसका ट्रिक लेकर आया हूं। अगर आपको मेरे ट्रिक अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अब देखो, ये जो मैं आपको फॉर्मूला बताने लगा हूँ, ये आपको थ्रू आउट पूरे पीरियोडिक टेबल पी में भी लगेगा, इसकी वीडियो में जल्दी कराऊंगा। अब मैं जहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे करना है, देन हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को पता है कि मेरे हीलियम में कितने एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर किसका, हीलियम का, 2। देन मैं कितने ऐड करूंगा, इसमें मैं ऐड करूंगा 8। याद रखें, हर बार 8 ही ऐड करेंगे हम, कितने ऐड करूंगा मैं, 8। मैं इसको लिख भी देता हूं, यहां पर मैंने कितने ऐड किए हैं, 8 ऐड किए। अब मैं अगेन कितने ऐड करूंगा, 18 ऐड करूंगा, कितने करूंगा ऐड मैं, 8 ऐड करूंगा तभी 18 आएगा, ठीक है। 8 ऐड किया, फिर से 8 ऐड किया, मेरा कितना आ गया, 18 आ गया। अब मैं ऐड करूंगा 18, ये मेरी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है जिसे मैं मैजिक नंबर भी कहता हूँ। अब मैं क्या ऐड करूंगा, 18 ऐड करूंगा। अब अगेन कितने ऐड करने हैं, कितने ऐड करने हैं, अगेन 18 ऐड करने हैं, तो 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 54। तो मैंने फिर से इसमें कितने ऐड कर दिए, 18 ऐड कर दिए। इसके बाद मैं कितने ऐड करूंगा, 32, तो मेरा कितना आ गया, 86। इट मींस अगर मुझे एलिमेंट्स के नेम याद है तो मुझे फर्स्ट एटॉमिक नंबर पता है, तो बाकी सारे ग्रुप का मैं एटॉमिक नंबर इस मेथड के साथ फाइंड कर लूंगा। इसको आप पीरियोडिक टेबल 14, 15, 16, 17 पर भी लगा कर देखें,
आपको बहुत ईजी रिजल्ट मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक में वापस आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले मैं 1/8 एलिमेंट की ही आपको करवाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन, जिसको कि आप बहुत ईजी वे से देख लो और आपको जल्दी से इसकी समझ लग जाएगी। देखो ध्यान से, 1/8 पहला रूल। इससे पहले मैंने क्या देखना, 1/8 है, इसका पहले वाला नोबल गैस कौन सा है? ध्यान से देखो, 1/8 के पहले वाला नोबल गैस मेरा कौन सा है? राडोन। तो नोबल गैस पर मैं क्या लिख दूंगा? राडोन लिख दूंगा, राडोन। और किस इसकी एटॉमिक नंबर कितना है? 86। मैंने क्या लिख दिया? राडोन लिख दिया और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 86। इट मीन्स 1/8 में से मैंने 86 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? फिल कर दिए। इतने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए मेरे। अब मुझे इतने इलेक्ट्रॉन फिल करने की जरूरत नहीं है, मुझे कितने फिल करने पड़ेंगे? जो इनका क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा। मींस 1/8 माइनस 86 कितना आया? 32। अब मींस मुझे 32 इलेक्ट्रॉन इस सब में क्या करने हैं? फिल करने हैं। अब इसके बाद मुझे क्या वैल्यू फाइंड करनी है? एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन की वैल्यू क्या आएगी? देखो, जहां पर मेरा पीरियड क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब एन की वैल्यू जहां पर 6 है और जहां पर मेरा पीरियड खत्म हो गया। अब जो जो मेरा एलिमेंट है, ऑब्वियस है कि नेक्स्ट शेल में ही आएगा, नेक्स्ट पीरियड में ही आएगा, क्योंकि मेरा नोबल गैस कहां पर होता है? लास्ट शेल पे होता है, लास्ट, जहां पर मेरा पीरियडिक टेबल खत्म हो जाता है। मीन 18th ग्रुप है ना, तो इसका मतलब कि इसके बाद मेरी न्यू शेल शुरू होगी। अगर मेरा राडोन 6 शेल पर है, इट मीन्स जो मेरा 1/8 एलिमेंट है वो कौन सी शेल पर होगा? 7 शेल पर होगा। या फिर ऐसे कह लो, जो सा मैं एलिमेंट लूंगा, जो उसका शेल नंबर है उससे एक ऐड कर दो, वो मेरी क्या वैल्यू होगी? एन की वैल्यू होगी। इट मीन्स मेरी एन की वैल्यू क्या हो गई? एन की वैल्यू हो गई 6+1 मीन्स 7। तो मेरी एन की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। अब मैं जहां पर एन की वैल्यू सभी जगह पर 7 फिल कर दूंगा। देखो ध्यान से, 7-2 कितना आ गया मेरा? 5। कितना आ गया? 5F। अब 7 में से 1 के कितना आ गया? 6। जहां पर 7S एंड 7P, जैसा मेरे क्या आ गई? एन की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मैं वो रूल लगाऊंगा जो मैंने आपको अभी बताया है। रूल क्या है? सबसे पहले एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, डी में 1 करना है, एफ में 14 करने हैं, डी में 9 एंड पी में 6। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब डी में कितने करने? 1। मैंने डी में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब एफ में कितने करने हैं? 14। तो मैं एफ में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा? 14। अब एक बार काउंट कर लें, कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए मेरे? 14+2 16+1 17। मुझे कितने फिल करने हैं? 32। मीन्स अभी मेरे इलेक्ट्रॉन फिल करने वाले पड़े हैं, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू रखूंगा। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा? मैं अगेन 9 फिल करूंगा। तो मैं जहां पर 1+9 लिख दूंगा, इट मीन्स मैंने 1 पहले ऐड किया था, फिर बाद में कितने ऐड किए? 9 ऐड किए। तो पी के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? 6। तो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए? 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ऐड करूंगा 14+10 24, 24+2 26, 26+6 32, मेरे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 32। इट मीन मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फिल हो गए। ये है मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी? 1/8 एलिमेंट की। तो मेरी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली मेरी क्या आ गई कॉन्फ़िगरेशन? इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई राडोन 86, 7S2, 7P6। अगर आप नोट करो तो जो भी मेरे पास बुक्स अवेलेबल है, दिनेश की बुक है या कोई फॉर्म राइटर होगा, तो वो इसी वे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा। वो कभी भी ओपो प्रिंसिपल के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये जो मेथड है वो उसने यही मेथड यूज किया हुआ है। तो ये मेथड एक बहुत ही अच्छा मेथड है। अगर आपको अच्छा मेथड लग रहा है तो वीडियो को एंड तक देखें। मैं इसके आगे आपको कुछ इंटरेस्टिंग वेज बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही इजी वे से और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये तो है नॉर्मल। अब जहां पर मैं एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पीछे जाऊंगा, मतलब 1/8 के कम एलिमेंट्स लूंगा, जो जब मैं एक से लेकर 10 तक भी रहूंगा, फिर भी कुछ मुझे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तब तक पूरी वीडियो मेरे एंड तक देखें, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स मैं इसके लास्ट तक बताता रहूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करने से पहले एक बात याद रखना कि मेरे हमेशा जो मेरे पी ऑर्बिटल है हमेशा 2 के साथ स्टार्ट होगा। मींस 1p एग्जिस्ट मेरा नहीं करता। ये क्यों नहीं करता? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। नेक्स्ट
3D से स्टार्ट होता है, मेरा 1D एंड 2D एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर। और जो मेरा F है वो 4 से स्टार्ट होता है, मेरा 1F 2F एंड 3F एग्जिस्ट नहीं करता। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल करवाता हूं, जिसका एटॉमिक नंबर मैं लेकर चलूंगा 7 लेकर चलते हैं, चलो 7 एटॉमिक नंबर। तो आप सभी को पता है 7 एटॉमिक नंबर किसका है, नाइट्रोजन का, कितना है 7। तो फिर से रूल रिवाइज करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या फाइंड करना है, इससे पहले वाला नोबल गैस मेरा कौन सा है। अब 7 से पहले क्या वैल्यू आ रही मेरी, 2 किसका नोबल गैस है, हीलियम का। इट मींस मैं जहां पर अब क्या लिखूंगा, हीलियम, और कितना एटॉमिक नंबर है इसका, 2, क्लियर। अब 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन मेरे फिल हो गए, तो कितने मेरे बचे इलेक्ट्रॉन, 7 से 2 माइनस किए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए मेरे, 5। इट मींस मुझे अभी 5 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, फिल करने हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें मेरा कौन सा पीरियड था, 1, और एन की वैल्यू को मेरी अब आएगी 2, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक वैल्यू मैंने ऐड करनी है। अब फिर से मेरी एन की वैल्यू इसमें क्या आएगी, 2 आएगी। अब देखो ध्यान से, 2 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया, 0, 0 एफ आ गया। मैं इसको 0 एफ एक बार लिख देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा इसका क्या करना है। अब डी में 2 में से 1 माइनस करूंगा, कितना मेरा आ गया, 1 डी आ गया। अब एन कितना आएगा, 2s, और पी कितना आएगा, 2p। अभी मैंने आपको बताया कि मेरा 0f तो चलो छोड़ ही दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, इसको मैं कट कर देता हूँ, और d1d मेरा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको मैं करूँ इस क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। इट मींस मेरे पास क्या बचा इसके बाद, मैं सभी को रब करके लिख देता हूँ, अकेला 2s एंड 2p मेरे पास सिर्फ यही बचे, ये दोनों मेरे के ऑर्बिटल हुए खाली रहे, मतलब ये ऑर्बिटल मेरे प्रेजेंट ही नहीं है, क्लियर। अब पहले मैं फिर से रूल लिख देता हूँ, s2d1f14d9p6। देखो ध्यान से, अब s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, मैं 2 फिल करूंगा, d मेरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो मैं आगे चलूंगा। अब f में 14 f भी नहीं है, फिर से d में कितने आएंगे, 9, और अब p में कितने हैं, p में कितने फिल हो सकते हैं, 6, बट मेरे पास इलेक्ट्रॉन है कितने, 5 थे, 5 में से मैंने 2 कितने कर लिए, फिल कर लिए, कितने बचे मेरे पास, 3। अब मैं जहां पर कितने फिल करूंगा, 3, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट मेरे पास कितने हैं, मेरे पास तो 3 ही है ना, तो मैं 3 ही फिल करूंगा। ये बात का ध्यान रखना, ये नहीं है कि अगर 6 है तो 6 फिल कर दो, अगर मैं 6 फिल कर दूंगा तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10, बट मैंने कितने फिल करने हैं, मैंने तो 7 फिल करने हैं। इसके लिए मैंने 5 में से मैंने 2 माइनस किए, कितने बचे, 3, और इसमें मैं 3 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा। और आप सभी को पता है नाइट्रोजन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, जिसके कारण वो बहुत स्टेबल है। मेरी थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल है, मैं एटॉमिक नंबर रैंडमली 80 कर लेता हूँ। अब मैं 80 के अकॉर्डिंग चलता हूँ, देखो ध्यान से, अब 80 के अकॉर्डिंग चले तो 80 से पहले मेरा कौन सा नोबल गैस है, ज़ीनोन, और जहां पर मैं क्या लिख दूंगा, ज़ीनोन लिख दूंगा। कितना एटॉमिक नंबर आएगा इसका, 54, तो मैं इसके क्या लिख दूंगा, 54 लिख दूंगा। इट मींस 18 में से 54 इलेक्ट्रॉन मेरे क्या हो गए, फिल हो गए। सबसे पहले मेथड यही करना है, देखना है कि इसके पहले कौन सा नोबल गैस आएगा मेरा सबसे पहले। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, n क्या मेरा आएगा, कितने हैं, 5 है, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन मैं क्या कर दूंगा, फिल कर दूंगा। इट मींस कितना आ गया मेरा, 4f, 6 आया ना, 6 से 2 माइनस किया, कितना आ गया मेरा, 4, 6 में से 1 माइनस करूंगा, कितना आ गया मेरा, 5, ये मेरा 6s आ गया, और ये मेरा क्या आ गया, 6p, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब मैं फिर से आपको रूल लिख देता हूँ, लास्ट टाइम भी लिखा था, फिर से लिख देता हूँ, s में 2, d में 1, f में 14, d में 9 एंड p में 6। अब फिर से रूल स्टार्ट करते हैं, पहले d में कितने आएंगे, 2 आएंगे, d में कितने आएंगे, 1 आएगा, और f में कितने आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं कितने, 18 में से 54 तो मैंने फिल कर दिए, अब कितने बचे मेरे पास, 16 बचे, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन भी मैंने फिल कर दिए हैं, तो अब मेरे पास कितने बचे, 13 बचे। इट मींस मेरे जहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब 13 आएंगे, 14 ही लिखूंगा मैं, क्लियर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है, एफ में जा रहा है, तो जे मेरा एलिमेंट किसको बिलोंग करता होगा, एफ ब्लॉक को बिलोंग करता होगा। क्लियर? अगर जहां पर मेरी वीडियो खत्म होती है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ऐसी ही ट्रिकी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।